दीदी राम राम। राम राम दीदी, अभी आप क्या करने जा रहे हैं दीदी? भैया दो घंटा पहले हम एमे दवाई डाले रहन, तब दो घंटा है गए, अब हम ऐसे अच्छे से खुरपी के आधार से अच्छे से उखाड़ेंगे ताकि जड़ में कोई नुकसान न पहुंचे, और इसको ले जाके हम भैया टमाटर के पौधा को उखाड़ के हम नर्सरी बैठ के और खेत में लगाएंगे। अच्छा दीदी, ये अब उखाड़ करके कैसे करेंगे दी, इसको बताएं दीदी। भैया हम इसमें पहले दो घंटा पहले इसमें हम दवाई डाले थे। अच्छा। दवाई यानी कोबाल्ट को डाले थे इसमें, अब दो घंटा हो गया है, इसको हम उखाड़ेंगे। उखाड़ करके दूसरी जगह लगाना है। हाँ भैया। अच्छा भैया, सबसे पहले तो तगाड़ी लगता है, जो ये पौधा को उखाड़ के हम ये तगाड़ी में रखते हैं। अच्छा, ये खुरपी है भैया, इसके सहायता से हम पौधा को उखाड़ते हैं भैया। अच्छा भैया, ये दवरी है, इसमें हम दवाई का घोल बनाते हैं। अच्छा भैया, ये दवाई है ट्राइसेल, इसको दीमक से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये है सड़े हुए गोबर के खाद भैया, इसको हम निप्रोट और सुमोना से उपचार किए हैं, और हम जहाँ पौधा लगाते हैं तो उसमें एक एक मुट्ठी हम उसमें डालते हैं। दीदी, ये पौधा कैसे उखाड़ते हैं बताएंगे? हाँ भैया, ये खुरपी से हम इसको मिट्टी से तो उखाड़ते हैं भैया, ताकि इसके जड़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, इस प्रकार से उखाड़ते हैं ना दीदी? हाँ भैया। भैया हम दो घंटा पहले इसमें दवाई छिड़के थे, और अब ये उखाड़ने में भी आसानी से उखड़ रहा है। आप कहने का मतलब ये है दीदी, आपने दो घंटा पहले इसमें दवाई डाली थी ना? हाँ भैया। दवाई डाली, इसलिए मिट्टी भी गीला है और पौधा निकालने में आसानी हो रही है ना? हाँ भैया। ठीक है दीदी।